हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो गाइस आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के अनबैन को लेकर। तो गाइस आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर जो कि निकल के आ रहे हैं, एंड इससे पता चल रहा है कि हमारा बीजीएमआई काफ़ी जल्द ही अनबैन होने वाला है। और इसका मैं यहाँ पर पूरा आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं बोल रही कि हाँ सही में बीजीएमआई वापस आएगा और कब तक आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आप लोगों को जैसे कि याद होगा मैं 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे आप लोगों को मैं बताई थी कि न्यूज 18 की तरफ से बोला गया था कि क्राफ्टन को 90 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब कि क्राफ्टन वालों ने ना 90 दिन का टाइम मांगा था गवर्नमेंट से, और उसके अंदर ये लोगों ने अपने आप को सही प्रूफ करना था कि सारा डाटा वगैरह जो है सब कुछ कहीं भी नहीं जा रहा है। मतलब जैसे ही अभी 90 दिनों के लिए गेम अनबैन होगा हम लोगों का, तो 90 दिन तक तो हम लोग खेल ही पाएंगे। लेकिन अगर इसमें कहीं से भी कोई सी भी प्रॉब्लम निकल के आती है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो गेम है वो हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। इसलिए अभी यहाँ पे जो 90 दिन का टाइम मिलेगा क्राफ्टन वालों को, उसके अंदर इनको प्रूफ करना है कि सारा कुछ यहाँ पे जो गेम के अंदर सब कुछ सही है एंड कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है गेम के अंदर। तो फाइनली बता दूँ कि इसको अप्रूव मिल चुका है गवर्नमेंट के साइड से, यानी कि 90 दिन के लिए अब गेम वापस आ चुका है। मतलब कि आने वाला ही है, बस रास्ते में होगा। मतलब कि गाइस फाइनली आप लोग कंफर्म हो जाओ कि हम लोगों को 90 दिनों के लिए गेम जो है वापस इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये न्यूज़ तो कंफर्म कर चुके हैं न्यूज़ 18 की तरफ से, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। बाकी गाइस आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, क्या आप लोग खुश हो? पर हाँ, अगर एक बार तो यहाँ पर गेम आ जाएगा, यानी कि 3 महीने तक हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के गेम को खेल पाएंगे। बट अगर ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम रही इसके अंदर, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए बैन होने से बीजीएमआई को कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी गाइस एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ना यहाँ पे जो क्राफ्टन वाले हैं इनके साइड से यहाँ पे कुछ जॉब वैकेंसी निकल के आ रही है, तो उसका क्या सीन है चलिए मैं आप लोगों को आगे बता देती हूँ। और लेकिन उससे पहले आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि कौन कौन खुश है या फिर किसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और कौन कौन अभी भी बीजीएमआई खेलते हो जल्दी जल्दी कॉमेंट में बताओ। और गाइस यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूँ जो मैं बोल रही थी कि जॉब वैकेंसी को लेकर क्या सीन है क्राफ्टन की तरफ से, एंड क्या इससे भी कंफर्म होता है कि बीजीएमआई वापस आने वाला है इंडिया में, तो हाँ गाइस इससे तो काफ़ी मतलब कि कंफर्म हो गए इससे कि कैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो इंडिया के अंदर ना एक जॉब वैकेंसी निकली है बीजीएमआई के लिए। मतलब गाइस बीजीएमआई के लिए जॉब वैकेंसी निकली है, ये तो कुछ अलग ही सीन हो गया ना। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा LQA करके कुछ जॉब के लिए पोस्ट किया गया इसके लिए। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा ना, मतलब कि LQA एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये वही हुआ कि जिसके मतलब कि जिसका काम रहेगा कि सारा का सारा डाटा वगैरह सब चेक करे और गेम को पूरा जो है यहाँ पे तैयार करे। यानी कि गेम अगर एक बार पूरा सही से हो जाता है, फिर उसको लास्ट में जो फाइनल टच दिया जाता है, लास्ट में पूरा यहाँ पे देखा जाता है कि क्या इसमें सही है क्या कुछ गड़बड़ी है। तो बस ये लोग वही है, मतलब कि LQA उसी के लिए है, वही लोग सारा का सारा यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकला है क्राफ्टन की तरफ से, वो भी इंडिया के अंदर। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे अब कंफर्म हो चुका है कि हाँ इतने सारे हिंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं कि बीजीएमआई को लेकर, तो आज ही जाना चाहिए मेरे को तो लगता है आ जाएगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप लोग अभी भी उम्मीद करते हो बीजीएमआई से या गवर्नमेंट से, तो कमेंट में बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और कुछ डाउट होगा तो अभी के अभी कमेंट में पूछ लो, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।